अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुनैद, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फूड विद जुनैद। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी एंड स्पाइसी चिकन बाइट्स। बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। चले हम चलते अपनी रेसिपी की तरफ। मैं इन्ग्रीडियंट में चाहिए होगा लेमन जूस, ग्रीन चिली, मिंट। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा सॉल्ट चाहिए होगा, ब्लैक पेपर चाहिए होगा, रेड चिली चाहिए होगी, हल्दी पाउडर चाहिए होगा, चाट मसाला चाहिए होगा, कोरिएंडर पाउडर चाहिए होगा, और हमने बोनलेस चिकन ले ली, ब्रेड क्रम्स ले लिए और एग ले लिया। हमने बोनलेस चिकन ले ली। बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग करेंगे, इस तरह से क्यूब्स कटिंग में करेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम क्यूब्स कटिंग करेंगे इनकी छोटे छोटे से। तो देखिए, इस तरह मैंने क्यूब्स कटिंग में चिकन को कर लिया है और अच्छे से उसको वॉश कर लिया है। हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे मिंट, ग्रीन चिली, लेमन जूस और स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, इसको क्या पैन कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने ब्लेंड कर लिया। अब सारा जो हमने ब्लेंड किया था मिक्सचर को इसमें ऐड कर देंगे चिकन में। अब हम इसे करेंगे मिक्स इस तरह से। तरह से हमने मिक्स कर लिया। तो देखिए, इसे हम मैरिनेट के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए तकरीबन छोटे छोटे स्लाइसेस हैं, इतना टाइम नहीं इसे हम दे सकते क्योंकि जल्दी मैरिनेट हो जाता है। इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है, आधा घंटा हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अब हम चिकन को इस तरह से उठाएंगे, एग में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह से कोट कर देंगे। इस तरह से कोट कर दिया। फिर दूसरा हम उठाएंगे, एग लेंगे, इस तरह से करेंगे। तकरीबन हर स्लाइसेस को हमने इसी तरह करना है कि हमने ब्रेड क्रम्स इसको कोट कर दिया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ताकि हमारे जो है ये जो बाइट्स हैं चिकन क्रिस्पी हो सकें। तो देखिए, हमारे ऑयल को टेम्परेचर आ गया है, इस तरह से हम चेक करेंगे। देखिए बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे कहाँ से ऐड करेंगे सारे हम बाइट। थोड़ी देर कुक होने देंगे इसे हम।
अब हम इनकी करेंगे साइड चेंज ताकि नीचे से ओवर कुक ना हो जाए। नगेट्स हो चुके हैं, अब हम इसे निकालने लगे हैं। स्ट्रेन करेंगे, हमारे मज़े मज़े के चिकन बाइट्स हो चुके हैं तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल के नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।